हाय दोस्तों, पियर्स वन कांडो पीसा चैनल में आपका स्वागत है। मैं प्रियांशु सिंह, आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। जिस भाई का असम राइफल में सेलेक्शन हुआ है, उन सभी भाइयों को, भाइयों आप सबको ये बता दूं कि असम राइफल में ज्वाइनिंग कब तक हो सकती है। ठीक है, मैं आपको क्लियर करता हूँ। ज्वाइनिंग का जो असम राइफल सेलेक्शन होने के बाद जो ज्वाइनिंग का डेट आता है, करीब ज़्यादा दिन टाइम नहीं लेता है वैसे, बस 1 से 1.5 महीने के अंदर आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगा, क्योंकि ये ट्रेनिंग सेंटर इस समय खाली है। क्योंकि हम लोग का जो ट्रेनिंग हुआ था वो पीछे मतलब इसी साल मार्च में ख़त्म हो गया था, मार्च में ट्रेनिंग कंप्लीट हो गया था, और तब से हमको लगता है कि ये ट्रेनिंग खाली है, क्योंकि कुछ ट्रेड वाले हैं जो वहाँ पे ट्रेनिंग करेंगे, तो उससे हम लोग का जीडी का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जीडी का अलग एक रूम होता है, ट्रेड वाले बहुत कम होते हैं उनका। वैसे जगह तो हर सेंटर बहुत जगह है, तो ट्रेड वाले अलग जगह अपना रह लेंगे, क्योंकि हम लोग भी जब सेलेक्शन पर आए थे तो उस समय ट्रेड वालों की ट्रेनिंग चल रही थी। तो उस समय क्या हुआ था कि हम लोग जब आए तो वो लोग CRGL मतलब जंगल ट्रेनिंग करने गए थे उस टाइम, तो वहाँ पर जंगल ट्रेनिंग 1 महीने की है, उसके बाद फिर उनको छुट्टी मिल गया 15 दिन का, फिर वहाँ पर छुट्टी कट गया, फिर हम लोग को ट्रेनिंग स्टार्ट हो गया। तो वो लोग अपना आए, तो वो ट्रेड वाले होते हैं तो 6 महीने की मुश्किल से ट्रेनिंग चलती है, उसके बाद जो ट्रेनिंग होता है उनका ट्रेड वाला होता है, जिससे बाल बाल वगैरह काटना रहता है, बाल काटने के लिए सीखते हैं। बाकी अलग अलग ट्रेड का अलग ऐसा धोबी वगैरह होता है, तो उनको उसमें लगा एक तरीके से उनका 6 मंथ का ये ट्रेनिंग होता है, उसके बाद तो उनका ट्रेनिंग जिस काम के लिए वो आए रहते हैं वो अपना काम ट्रेनिंग करते हैं। रही बात SSC GD की, तो SSC GD में ट्रेनिंग का जो शेड्यूल है और ज्वाइनिंग का जो शेड्यूल तो वैसे ठीक है, क्योंकि ज्वाइनिंग जल्दी ही मिल जाएगा, लेकिन ज्वाइनिंग के टाइम में आपको क्या क्या ले जाना है, क्या क्या चीज़ नहीं ले जाना है, वैसे ले जाना जितना आप ले जा सके ले जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे सामान रखने वगैरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होता, जगह बहुत अच्छी है। मैं तो दीमापुर में था तो दिक्कत ज़्यादा नहीं हुआ था, मेरा तो दिक्कत हुआ ही नहीं था, कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन ये होता है कि जैसे सामान ज़्यादा रहता है तो अपने में ये होता है, एडजस्टमेंट होता है, क्योंकि जब कोई भी प्रॉब्लम होती है या कोई भी चेकिंग होता है तो सबको एक बोला जाता है कि आप सभी लोग बैरक से सारे सामान मतलब हफ्ते में 3 दिन सफाई करना ही है, तो किसी भी टाइम सफाई हो सकता है, कोई वो ठिकाना नहीं होता। तो जब चाहे तब हमारे जो गुरुदेव होते हैं, गुरुजी होते हैं, वो बोलते हैं कि सभी लोग एक साथ अपना सारा सामान बाहर निकाल कर रख दें और एक साथ सफाई किया जाए, या फिर मोबाइल चेकिंग के दौरान भी सारा सामान बाहर निकाल दिया जाता है कि किसी के पास मोबाइल एक्स्ट्रा तो नहीं है, तो लोग जो इसके पास एक्स्ट्रा आता है वो कहीं ना कहीं तरीके से कहीं छुपा देते हैं। तो रही बात यह है कि आप सभी को डरना नहीं है, ट्रेनिंग बहुत आराम से होता है, पहले मुकाबले ट्रेनिंग इस समय थोड़ा सा नरम होगा, लेकिन फिर भी धीरे धीरे आपको टफ किया जाएगा, आपको ये नहीं कि पहले मंथ में ही आपको सब कुछ करा लिया जाएगा, नहीं, धीरे धीरे आपको पैर को मजबूत किया जाएगा, वैसे धीरे धीरे पकाया जाएगा पैर को, सब कुछ PTI जो भी होते हैं बहुत अच्छे होते हैं वहाँ के, वो आपको अगर कोई प्रॉब्लम होती है पैर के दर्द वगैरह को सब कुछ वहाँ फिजियोथेरेपी वगैरह सब कुछ होता है वहाँ पे, तो हर चीज़ का अलग अलग है। वैसे जो ट्रेनर होते हैं वो आर्मी के होते हैं, मैं आपको बता दूँ ट्रेनर जो होते हैं आर्मी के होते हैं, और आर्मी जो ट्रेनर जो होते हैं वो आपको ज़्यादातर ये प्रिस्क्राइब करते हैं कि वो तो पहली बात तो वो कहते हैं घी नहीं खाना चाहिए, घी नहीं खाना चाहिए, लोग चोरी छुपे कहते हैं भाई घी भाई खाना तो वगैरह सो नहीं उतना बन पाता, घी चने वगैरह के लिए वो बोलते हैं चने ज़रूर खाना चाहिए, चने में भिगो कर चना खाना चाहिए, उसमें और भी सब मूंगफली वगैरह डाल लो, तो ट्रेनिंग जो है धीरे धीरे आपका कट जाएगा, कोई प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं होती है, बस शर्त यह है कि आपको मोबाइल से दूर रहना है, संडे को मोबाइल मिलेगा आपको, वैसे घर पे बात करने के लिए समझ लो किसी की गर्लफ्रेंड है तो फिर गर्लफ्रेंड से ही बात कर सकता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कोई लड़का गलती कर देता है, उसके चक्कर में सभी लड़कों को मतलब सज़ा मिल जाता है, फिर उस कंपनी का पूरी कंपनी का उसको सज़ा मिल जाता है 1 महीने के लिए, कि आपको सिर्फ संडे को 1 घंटे के लिए मोबाइल मिलेगा, चाहे आप गर्लफ्रेंड से बात करें चाहे माता पिता से बात करें, ये प्रॉब्लम थोड़ा होता है, कोई दिक्कत नहीं, फिर भी घर पर बात करने के लिए काफ़ी है, लेकिन वो है कि कुछ लोग ज़्यादा बात करने के लिए आतुर रहते हैं ऐसे गर्लफ्रेंड वगैरह, तो उनके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, बाकी चल जाता है धीरे धीरे मैनेज हो जाता है सबको, ट्रेनिंग में मन लगने लगता है। मैं आपको एक शेड्यूल क्लियर कर देता हूँ, ठीक है, तो शेड्यूल क्या है, आप यहाँ से जब भी आप गेट पर एंट्री करेंगे आपको एडमिट कार्ड दिखाया जाएगा,
एडमिट कार्ड के साथ, फिर उसमें उनके पास लिस्ट होता है, जिस भाई का राइफल होता है वहाँ से SSC के थ्रू उनके पास लिस्ट आता है। लिस्ट ही नहीं आता, लिस्ट के साथ साथ आपको जो मेडिकल का प्रोफाइल वगैरह जो फाइल बना है वो सारे सब कुछ डॉक्यूमेंट हर व्यक्ति का जो असम राइफल में सिलेक्शन हुआ है, पूरे स्टेट से जितने भी भारत से जितने लड़के सेलेक्ट हुए हैं असम राइफल से, सारा डॉक्यूमेंट जिस ट्रेनिंग सेंटर में आपको भेजा जाएगा ट्रेनिंग, उनका डॉक्यूमेंट वगैरह आ जाता है उसके पहले ही, आपके आने से पहले ही। आने के बाद फिर आपको बुलाया जाएगा, तो आने के बाद आपको एडमिट कार्ड गेट पे चेक करना, चेक करने के बाद आपको वहाँ पे, हालांकि उस समय कोरोना काल था तो सैनिटाइजर हुआ था, सैनिटाइज किया गया था, उसके बाद तो फिर दूर से लोग बात करते थे, बोलते थे नाम, तो फिर मेरा नाम प्रियांशु सिंह है, तो फिर बोलेंगे प्रियांशु, फिर बोलेंगे कि तुम यहाँ घर नंबर बताइए, वो मैचिंग कराते हैं कि लड़का वही है कि नहीं है, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं रहता। फिर एंट्री करते हैं, तो दीमापुर में क्या है, दीमापुर में हम लोग का जो बैरक था वो आप जब एंट्री करेंगे, एंट्री करने के बाद आपको लेफ्ट मुड़ना है, लेफ्ट मुड़ने के बाद वैसे दीमापुर में चार कंपनियां हैं, चार कंपनी पड़ती है, टोटल 750-800 लड़के रहते हैं, तो टोटल जितने ज्वाइन करते हैं करीब 650-700 लड़के टोटल मिला के होते हैं। तो हर कंपनी में, इसमें UKL कंपनी में था, घरूल कंपनी में था मैं, सीनियर कंपनी है सबसे दीमापुर की, तो वो है कि उसमें आप 180 लड़कों का, जैसे मतलब चार भागों को डिवाइड करते हैं उस हिसाब से बांट देते हैं, फिर 180 लड़कों का 5 प्लाटून बटेगा, हर प्लाटून में 30-35 लड़के रहेंगे, ठीक है। अब पहले तो ट्रेनिंग का शेड्यूल जो आता है वो आप ज्वाइनिंग ज्वाइन करेंगे, आपको एक महीने या 10-20 दिन तक जैसा होगा, ट्रेनिंग शेड्यूल आने से पहले आपको सोशल कराया जाएगा, सुबह शाम सोशल होगा, थोड़ा सा और थोड़ा रनिंग होगा, रनिंग के बाद थोड़ा सा सोशल होगा, फिर ज़्यादा शाम को होगा सोशल, रनिंग शाम को नहीं होता, सुबह ही होता है रनिंग। और आपको पहली बात तो असम राइफल में आपको मेंटली और फिजिकली तौर पर पूर्ण रूप से तैयार होना पड़ता है, क्योंकि कुछ मतलब हालांकि असम राइफल आप ये मत भूलिएगा कि आप पैरामिलिट्री SSGD के थ्रू आए हैं, तो आपको पैरामिलिट्री की तैयारी तो ये हर चीज़ ट्रीट किया जाएगा ना, वो टोटली असम राइफल एक आर्मी है, आर्मी के जो भी रहते हैं हर चीज़ आर्मी के रैंक वगैरह सब कुछ ट्रेनिंग वगैरह सब आर्मी की तरह होता है, बल्कि आर्मी से भी टफ होता है असम राइफल की ट्रेनिंग। बस यही है कि आपको ये टफ सोच के नहीं आपको डरना है, क्योंकि ट्रेनिंग क्या है कि आप जैसा माहौल रहता है उसी हिसाब से डल जाते हैं, आप अकेले नहीं हैं, 700 लड़के आपके साथ रनिंग करते हैं, हर चीज़ का क्वालिफाई करते हैं, हमारे साथ भी एक भी लड़का एक भी लड़का जो है क्वालिफाई होने से ऐसा नहीं कि चूक गया हो, क्योंकि सब के सब पास हो गए, इक्का दुक्का लड़के हैं जो उनकी प्रॉब्लम थी, जैसे मान लो कि दौड़ते दौड़ते किसी को मतलब बीमारी हो जाती है, बीमारी का पहले बीमारी आती है तो वहाँ पे दौड़ जब फिजिकल वर्क का कराया जाता है वहाँ दिक्कतें आती हैं थोड़ी बहुत, हालांकि कोई दिक्कत नहीं, मेडिकल की सुविधा वहाँ पे है, आपको मेडिकल कराया जाएगा पूर्ण रूप से, आपको फिट करके ही आपको फिर से दोबारा ट्रेनिंग के लिए नया शेड्यूल बना के आपको फिर से ट्रेनिंग कराया जाएगा। फिलहाल वो लड़का ट्रेनिंग कम्प्लीट कर चुका है, थोड़ा लेट हुआ कंप्यूटर उसका, तबीयत ख़राब थी उसकी, तो 3-4 महीने बाद उसे फिर से दोबारा ट्रेनिंग हुआ, जहाँ से ख़त्म किया था जहाँ से वो उसका तबीयत ख़राब हुआ था वहीं से उसका स्टार्ट हुआ था। जैसे अब मैं आपको सामान वगैरह के बारे में बता देता हूँ, सामान जैसे मान लो आप वैसे ठंडी या स्लीपिंग बैग आप ले जा सकते हैं, नहीं ले जाते कैंटीन वगैरह मिल जाएगा, मार्केट में भी मिल जाता है, वैसे वो आपको मिलेगा, स्लीपिंग बैग ले जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि स्लीपिंग बैग आपको मिलेगा वहाँ पे, क्योंकि आप करीब करीब 60-65 सामान आपको मिलेंगे छोटे से लेके बड़े तक आपको, वैसे वहाँ पे को सामान चादर वगैरह सब मिलेगा आपको, वाइट 2 बेडशीट मिलेगा और बर्तन वगैरह सब मिलेगा, आपको अपनी तरफ से कोई बर्तन वगैरह ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप ड्राई फ्रूट्स वगैरह रख सकते हैं, घी रख सकते हैं, घी आप ज़रूर ले जाइए, क्योंकि किसी के कहने से आप अपनी सेहत पर थोड़ा ध्यान देंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि हमारे गुरुदेव तो कहते थे कि भाई अब घी वगैरह खाएंगे तो पैर वगैरह में ज़्यादा गर्मी होती है, दौड़ने वगैरह में दिक्कत होती है, पसीना वगैरह ज़्यादा होता है, कि इसीलिए लोग कहते थे, लेकिन ठीक है अपने हिसाब से, बॉडी के हिसाब से जैसा इसकी बॉडी होती है उस हिसाब से अपना खाते रहिएगा। आपको शेड्यूल क्लियर कर दूँ, आपको 3 बजे उठ जाना है, आपको 3-3:30 बजे तक एकदम मेंटली मतलब नहा धो के नित्य क्रिया अपना क्लियर करके आपको 4 बजे तक एकदम कपड़े वगैरह पहन के रेडी रह के अपना झाड़ू लगा सकते हैं आप, जिस एरिए मिलते हैं आपको निर्धारित किया था एरिए मिलेगा, सफाई वफाई करने के बाद आप 5 बजे तक आपको कपड़े वगैरह पहन के 5-10 तक 5-15 तक आपको एक जो तो गणना ग्राउंड है वहाँ पे आपको फालिंग हो जाना है, फालिंग होने के बाद
आपको प्लाटून वाइज आपको जिसका पीटी रहेगा पीटी में जाएगा, और डील रहेगा तो डील में जाएगा। ठीक है, तो डील में रहेगा तो डील वगैरह तो माल कोई दिक्कत नहीं है, कोई एक ही जगह मतलब ज़्यादा दूर नहीं। दीमापुर में जिसका हुआ ट्रेनिंग वो बहुत ज़्यादा दूर नहीं है अपने प्लाटून से, जो अप्रूवल कंपनी में जाएगा वो बहुत ज़्यादा दूर नहीं रहेगा, उस मुश्किल से 50 मीटर की दूरी पर ड्रिल ग्राउंड है, 50 मीटर की दूरी पी टी ग्राउंड है, बाकी दो कंपनियाँ थोड़ा दूर है, बाकी उसका भी ज़्यादा दूर नहीं है, 100-150 मीटर के अंडर में सभी कंपनियाँ मतलब रहती हैं। तो उसका क्या है कि आप डील करेंगे, दो पीरियड होगा डील, दो पीरियड डील करने के बाद अपना आएंगे, आपको क्लास चलेगा, खाना खाने का 15-20 मिनट आधे घंटे टाइम मिलेगा नाश्ता करने का, नाश्ता करने के बाद आपको क्लास पोस्ट है, वहाँ पे क्लास पोस्ट भी बना है फुल कंपनी का, सारे क्लास पोस्ट सब पास पास में है, दिक्कत नहीं होता, बाकी अदर कंपनी का थोड़ा दूर दूर है, फुल कंपनी का क्लास पोस्ट मतलब बैरक से ज़्यादा दूर नहीं है। तो आपको क्लास पोस्ट में आपको 2-3 घंटे 3-10 तक आपको क्लास चलेगा, 9 बजे से करीब 9:30 बजे 9 बजे से क्लास चलना स्टार्ट होता है, तो आपको 1 बजे तक क्लास चलेगा कम से कम। तो क्लास चलने के बाद आपको फ्री होना है, आपको तुरंत आना है, खाना वाना खाना है, 1 बजे खाना मिलना स्टार्ट हो जाता है 10-20 तक। खाना खाने के बाद आपको 2:30 बजे फिर से फायरिंग होना है, 2:30 बजे शाम को कुछ नहीं होता, शाम को ना पीटी होता ना ड्रिल होता है, आपको उस टाइम जो है जो आपको सोशल करना है, सोशल करने के बाद 2 घंटा सोशल करने के बाद 5 बजे फ्री हो जाएंगे, 5 से 6 बजे तक आपको 1 घंटे का फ्री रेस्ट ये मिलेगा कि आपको सोशल करके आए हैं तो नहा धो सकते हैं, अपना सफाई वगैरह कर सकते, रेस्ट थोड़ा सा रेस्ट कर सकते। 6 बजे फॉलिंग होने के बाद गणना होगा 6 से 7 तक एक आपके डीरी जो डीआई होते हैं, डीरी स्टेटर जो होते हैं, वो हमारे गुरुदेव जो होते हैं वो आपको दो या तीन गुरुदेव आते हैं, आपको ये जो स्टार्टिंग होता है तो आपको डील सिखाते हैं कि ऐसे दाएँ मुड़ना बाएँ मुड़ना, पूरा उसी घंटा ग्राउंड पे ही 1 घंटे तक प्रैक्टिस करवाते हैं। 1 घंटा प्रैक्टिस कराने के बाद आपको 7 बजे तक आपको ये जो कंपनी क्या बोलते कमांडर होंगे, जो सूबेदार सर या मेजर सूबेदार सर होते हैं, वो आपको गणना लेने के बाद कुछ समझाएंगे, कुछ अपने तरीके बताएंगे कैसे क्या करना है क्या नहीं करना, आधे 1 घंटे तक समझाएंगे आपको, उसके बाद फिर आपको गणना करा के छोड़ दिया जाएगा। आप छोड़ने के बाद फिर खाना खाएंगे, शाम को 8 बजे तक खाना मिल जाएगा, 8 बजे तक खाना मिलने के बाद खाने में वैसे जो शाकाहारी है उनके लिए थोड़ा सा दिक्कत होता है, क्योंकि शाकाहारी के लिए एडजस्ट नहीं हो पाता उतना, लेकिन मांसाहारी के लिए थोड़ा सा सही रहता है, क्योंकि मांसाहारी के लिए 2-3 दिन तक आराम से मटन चिकन बन जाता है, और शाकाहारी के लिए पनीर वगैरह बन जाता है उस दिन, और भी है मतलब खीर वगैरह मिल जाता है। तो फिर 8 बजे खाना खाने के बाद आपको 9 बजे तक एकदम खाना खाने के बाद कंप्लीट कर लेंगे, आपको 9 बजे लाइट ऑफ करके सो जाना है, तो आपको सोना 9 बजे तक सोना ही सोना है, क्योंकि हमारे गुरुदेव जो होते हैं प्लाटून वाले गुरुदेव जो होते हैं वो रात में कभी कभी चेक करने के लिए आते हैं। पहली बात तो आपको अगर दीमापुर में या फिर नॉर्थ ईस्ट में है तो आपको बिना मच्छरदानी के सोना नहीं है, गलती से भी बिना मच्छरदानी का नहीं सोना है आपको, अगर मच्छर तो बाद में काटेंगे, बीमारी बाद में होगी, लेकिन उससे पहले आपको सजा पहले मिल जाएगा, रात भर सजा काटते रह जाएंगे, तो इसलिए मच्छरदानी जरूर लगा के सोना है। अब गलती से ये भी नहीं कि अंडर वियर पे ही सो जाना है, जो पीटी का जो ड्रेस होता है वो पहन के सोना है, ये नहीं कि अंडर वियर पे ही पहन के सो गए। कभी कभी क्या होता है गुरुदेव चेक करते हैं तो आईडी कार्ड आपको रख लिया जाएगा, सुबह आपको सजा दिया जाएगा, इसलिए सब आपको थोड़ा मैं क्लियर कर देता ताकि आप सतर्क रहेंगे, तो आपको वहाँ पर जाने के बाद हो सकता है थोड़ा सा नियम में चेंजिंग आएगा, लेकिन चेंजिंग नहीं आएगा, ये सबका यही रूल होता है, जो अभी तक ट्रेनिंग करते आ रहे हैं वो सब भी हमको यही से बताए थे, बाकी कोई दिक्कत नहीं, धीरे धीरे आप ढल जाएंगे, ट्रेनिंग कट जाएगी आराम से। वैसे सैलरी के मैं बता दूँ, सैलरी बहुत अच्छी खासी सैलरी है राइफल की, सैलरी के मामले में और फैसिलिटी के मामले में बाकी फोर्सों से ज़्यादा अच्छी है, ठीक है, और ज़्यादा अच्छी, लेकिन जो कैंटीन की सुविधा है, मेडिकल की सुविधा है, मेडिकल वही है कि बाकी फोर्सों का सेम है, लेकिन इसका थोड़ा अलग मेडिकल है, और कैंटीन की सुविधा आर्मी आपको 1-2 साल कंप्लीट करने बाद आपको आर्मी की कैंटीन में आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आपको, कसम राइफल के अलावा है आर्मी कैंटीन में आप सामान वगैरह ले सकते हैं, आपको जो छूट आर्मी का है वही छूट मिलेगा आपको असम राइफल का भी। ठीक है दोस्तों, अब मैं बताऊंगा कुछ और बातें, ठीक है, फिलहाल मेरा थोड़ा टाइम हो गया शेड्यूल का, मेरा क्लास का टाइम हो गया, मैं थोड़ा क्लास करने जा रहा हूँ, अब मैं थोड़ा अलग एक ट्रेनिंग कोर्स कर रहा हूँ फिलहाल, इसीलिए थोड़ा सा टाइम हो गया मेरा, मैं चलता हूँ, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलूँगा, फिर जय हिंद, बाय बाय।